नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करंट अफेयर की सीरीज है और यह टेसरी संख्या दो है मित्रों। यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, पेपर टेसरी संख्या दो है। पीसीएस पाठशाला आपको प्रोवाइड कराएगा यूपीएचएससी 51 जीके कंप्लीट कोर्स और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 कंप्लीट कोर्स, ₹999 का है। यहां पर ऊपर आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं जिनको भी पेपर 1 कंप्लीट कोर्स परचेज करना है यूपीएचएससी का और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा ₹999 में। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया हुआ है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। पीसीएस पाठशाला आपकी पूरी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है, पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी और एमपीएससी प्रोफेसर का। करंट अफेयर की दूसरी टेस्ट सीरीज है और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है। यूपीएससी 51 और एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर सुपर टेस्ट सीरीज संख्या 2। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, क्योंकि 1 से 10 प्रश्न हम लोग दे चुके थे, टेस्ट संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 11, रक्षा सचिव रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने और किस देश के उनके समकक्ष शिमोना कोजाकारू, मतलब एक रक्षा सचिव, भारत के रक्षा सचिव जो हैं गिरधर अरमाने और किस देश के रक्षा सचिव शिमोना कोजाकारू ने हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक की, मतलब भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और किस देश के रक्षा सचिव शिमोना कोजाकारू ने नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की। तो पहला तो यह क्लियर हो गया कि रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और शिमोना कोजाकारू ने नई दिल्ली में बैठक किया है, वह स्थान कौन सा है, नई दिल्ली में बैठक किया है। और दो रक्षा सचिव बैठेंगे तो रक्षा संबंधित मामलों पर ही तो बैठक होगी, तो दो रक्षा संबंधित मामले पर बैठक हुई थी, किस स्थान पर, नई दिल्ली में, ठीक है। अब यह जो किस देश की यह शिमोना कोजाकारू थे, किस देश के थे, बुल्गेरिया के, रूस के, जापान के या रोमानिया के, तो यह रोमानिया के रक्षा सचिव थे। व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने और उनकी रोमानियाई समकक्ष शिमोना कोजाकारू ने 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक की। वह तिथि कौन सी है, 28 मार्च 2023 को। बैठक में सेना से सैन्य सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, रक्षा सह विकास और सह उत्पादन और क्षमता निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अब जब दो रक्षा सचिव मिलेंगे तो रक्षा संबंधित मामलों पर ही चर्चा होगी, तो यह तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस स्थान पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। किस देश के रक्षा सचिव थे, ये रोमानिया के रक्षा सचिव थे, उनका नाम क्या था, शिमोना कोजाकारू, और भारत के रक्षा सचिव कौन थे, गिरधर अरमाने, ठीक है। यह बैठक कब हुई थी, 28 मार्च 2023 को। प्रश्न 12 देखिएगा, किसने हाल ही में ऑस्टिन कंट्री क्लब में 2023 वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले गोल्फ का खिताब फाइनल में हासिल किया। तो किसने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, किसने जीता है वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है ऑस्टिन क्लब में, तो किसने जीता है, कैमरन यंग या शेमरन वंस या रोरी मैकलोरी या स्कॉटी सेफलर, तो वह जीते हैं सैम बंस। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सैम बंस ने 28 मार्च 2023 को फाइनल में कैमरन यंग पर 6-5 की जीत के साथ 2023 में वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले गोल्फ खिताब जीता है। तो जीता किसने जीता है, सैम बंश ने जीता है। कब जीता है, 28 मार्च 2023 को जीता है, और किसको हराकर, कैमरन यंग को हराकर, ठीक है। 26 वर्षीय सैम बंश ने कैमरन यंग के खिलाफ शुरुआत में खुद को पीछे पाया, लेकिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 5वें स्थान से लगातार 4 होल जीतकर ऑस्टिन कंट्री क्लब में मैच अपने नाम कर लिया, ठीक है। और यह क्या है, सैम बंश की यह 5वीं जीत थी, बाकी चीजें आप जानते ही हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, दलाई लामा ने, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी लोग के लिए, आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहां कई सारे फैक्ट आपको मिलेंगे।
देखिए दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुई एक 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़का, एक 8 वर्ष का मंगोलियाई लड़का था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ था। तो दलाई लामा ने उस लड़के का नाम रखा है, उस लड़के का नाम रखा है खलखा जेटसन थम्पा रिनपोचे। ठीक है, ये तिब्बती नाम है, खलखा जेटसन थम्पा रिनपोचे रखा है किसने, दलाई लामा ने, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मंगोलियाई 8 वर्षीय लड़का था उसका नाम दलाई लामा ने रखा। अब ना जाने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दलाई लामा को कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के का नाम या खलखा जेटसन थम्पा रिनपोचे रखते हैं। जो अब यह देखिए ये जो नाम है ये नाम बहुत खास है, ये नाम बहुत खास है। देखिए जो तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक है, तीसरी बौद्ध तिब्बती जो बौद्ध धर्म है उसमें तीसरा सम्मानजनक यह नाम है, ये जो नाम दलाई लामा ने रखा है। तो समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया, ये जो बच्चे का नामकरण हुआ है यह समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था, धर्मशाला में, गंगटोक में, गुवाहाटी में या लेह में। तो धर्मशाला में यह समारोह आयोजित किया गया और तिब्बतियों का यह महत्वपूर्ण जगह है धर्मशाला, यहीं पर दलाई लामा रहते हैं। देख लीजिएगा दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए एक 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के को 28 मार्च 2023 को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक प्रदान किया है, तीसरा सर्वोच्च रैंक प्रदान किया है, दसवां खलखा जेटसन थम्पा रिनपोचे नाम दिया है। लड़का क्या है, लड़का एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बेटा है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बेटा है और अमेरिकी संसद के पूर्व मंगोलियाई सदस्य का पोता है। ठीक है, तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी इस लड़के का बहुत है और सबसे बड़ी चीज ये है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संसद सदस्य का यह पोता है और वह संसद सदस्य कौन था, वह मंगोलियाई संसद सदस्य है, वह तिब्बती निर्वासित व्यक्ति है। ठीक है, इसीलिए उस बच्चे का नामकरण दलाई लामा ने रखा। यह समारोह मार्च 2023 में शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। अब यह धर्मशाला जो है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ दलाई लामा निर्वासन में रह रहे हैं, दलाई लामा वहीं पर रहते हैं, बताया हूँ कि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रहते हैं। जो लामा है तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता हैं। दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या हेट स्कूल के प्रमुख आध्यात्मिक नेता को दिया जाने वाला एक नाम है। ठीक है, प्रश्न 14 देखिएगा, हाल ही में किस स्थान पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसीएस पाठशाला आप लोगों को जो भी दे रहा है बेहतरीन दे रहा है, जबरदस्त दे रहा है, इसलिए परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। हाल ही में किस स्थान पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल मतलब वैदिक विरासत पोर्टल, वैदिक युग जो वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का जो महान सांस्कृतिक युग है, ठीक है, उसके लिए यह उद्घाटन किया गया है। तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, कहाँ, बेंगलुरु में या कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में या फिर गुरुग्राम में। तो कहाँ उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। पोर्टल का जो प्राथमिक उद्देश्य, अब यह पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या है, पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना, मतलब उसे बढ़ाना, आगे भेजना और लोगों को इसके लिए सुलभ बनाना। जो लोग वैदिक, देखिए यह पोर्टल क्या है, वेबसाइट है जो ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का जो महान सांस्कृतिक सामाजिक धर्म है, ठीक है, वो महान युग जो आप जो इतिहास में आप पढ़ते हैं, तो उसको बाकी लोगों तक सक्षम बनाना कि उस समय का क्या कैसा, जिससे लोग हमारे महान संस्कृति से परिचित हो सके, ठीक है, लोग इसे इसके बारे में जान सके, इसके लिए यह पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है। कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। प्रश्न 15 देखिएगा, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शाहरुख खान को, रणवीर सिंह को, अक्षय कुमार को या रणदीप हुड्डा को, किसे नियुक्त किया है, तो रणवीर सिंह को। स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रणवीर सिंह को। ठीक है, स्टार स्पोर्ट, अरे यह एक ऐसा एक चैनल होता है स्टार स्पोर्ट जो क्या करता है, खेल से संबंधित जानकारी देता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रणवीर सिंह। व्याख्या देख लीजिएगा, अब स्टार स्पोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर रहेंगी आपको आपके लिए। वाल्ट डिज्नी इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। अब देखिए यहाँ पर आप जान लीजिए, ये जो स्टार स्पोर्ट्स है ये खेल से संबंधित चैनल है, खेल से संबंधित टीवी चैनल है, ठीक है। और यह जो है किसके अधीन है, वाल्ट डिज्नी इंडिया। वाल्ट डिज्नी इंडिया एक कंपनी है जो बहुत सारे कार्य करती है, ठीक है, बहुत सारे कार्य करती है, बहुत सारे जो भी उसके फर्म है उसका संचालन करती है, इसी कंपनी के अधीन यह स्टार स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो इस बार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। पिछले हफ्ते बॉलीवुड अभिनेता एवं भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की जगह 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। तो रणवीर सिंह जो है वह सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी है इस समय, विराट कोहली को भी पछाड़कर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने के बाद रणवीर सिंह ने कहा है कि यह एक ऐसा ब्रांड है, अब भाई ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा तो उस ब्रांड का प्रचार करेगा ही। तो रणवीर सिंह ने क्या कहा है, यह एक ऐसा ब्रांड है जो भारत में खेलों का पर्याय है और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क द वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया की स्वामित्व वाली कंपनी है। तो यह बात जान लीजिए, ये जो स्टार स्पोर्ट्स है ये किस कंपनी के अधीन है, द वाल्ट डिज्नी के अधीन है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन है, ये आपका रणवीर सिंह है, जो हाल ही में क्या है विराट कोहली की जगह सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न 16 देखिएगा, हाल ही में क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, क्या जसप्रीत बुमराह बना है क्या, कि रविंद्र जडेजा बना है, या फिर एडम थम्बा बना है, एडम जम्पा, या साकिब अल हसन बना है। तो T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो गेंदबाज बना है वो साकिब अल हसन बना है, ठीक है, साकिब अल हसन। और ये कहाँ का खिलाड़ी है, बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है। साकिब अल हसन अब 136 विकेट इसके नाम दर्ज हो चुके हैं। कितने विकेट दर्ज हो चुके हैं, 136 विकेट। यह जान लीजिए किस देश का खिलाड़ी है, यह साकिब अल हसन बांग्लादेश का खिलाड़ी है। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लिया है, कितना विकेट लिया है, 136 विकेट लिया है। तो भाई यह जो विकेट लिया है 136 विकेट, यह क्या किया है साकिब ने, यह उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ हासिल की है। मतलब 136वां विकेट जब ले रहा था यह, तो यह किस देश के खिलाफ खेल रहा था, आयरलैंड के खिलाफ खेल रहा था, आयरलैंड के खिलाफ हासिल किया है 136वां विकेट। इन्होंने सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में न्यूजीलैंड के, देखिए इसके पहले कौन सबसे ज्यादा विकेट लिया था, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था टीम साउदी, उसने सबसे ज्यादा विकेट लिया था। उसने कितना विकेट लिया था, 134 विकेट लिया था न्यूजीलैंड का खिलाड़ी टीम साउदी, और उसी का रिकॉर्ड यह तोड़ा है साकिब अल हसन। तो यह किस देश का खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है टीम साउदी, जिसने 134 विकेट लिया था, ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है। देखिए आंध्र प्रदेश में एक जगह है काकीनाडा, ठीक है, वहां क्षेत्रीय स्तर पर क्या हुआ है, खोज और बचाव अभ्यास, मतलब कि समुद्र में खोज या बचाव, मतलब कोई आपदा आ जाए तो किस तरह से रक्षा करना है आपदा में, इस तरह का एक कार्यक्रम किया गया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। क्षेत्रीय स्तर पर खोज एवं बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है, या किसने किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या भारतीय आर्मी ने, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने, या फिर NDRF ने, तो किसने किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। देखिए भारतीय तटरक्षक ने 28 से 29 मार्च 2023 के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का क्या किया है, संचालन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, अब ये देखिए अभ्यास क्यों होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एक वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा परिदृश्य जैसी कृत्रिम स्थिति तैयार करके, मतलब आपदा का कृत्रिम स्थिति तैयार करके और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान की कार्य पद्धतियों को उजागर करना है, किस तरह से अगर आपदा पड़ती है तो उसको बचाव किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक दल भारत की एक समुद्री कानूनी प्रवर्तन और खोज एवं बचाव दल है, ठीक है। अब भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी 18 अगस्त 1878, इसकी तिथि ध्यान रखिएगा 18 अगस्त 1878 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय तटरक्षक दल जो है या इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 18 देखिएगा, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंकिंग क्या है, क्या 114वां रैंक है क्या, या फिर 124वां रैंक है, या फिर 134वां रैंक, या फिर 144वां रैंक। तो बिल्कुल 144वां रैंक है, पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय रैंक क्या है, 144वां रैंक है। तो देखिए
यहाँ कुछ खास नहीं है, बस यह ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट के अनुसार भारत की मोबिलिटी स्कोर कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष भारत की रैंकिंग में काफी गिरावट हुई है। भारत इस रैंकिंग में 144वें स्थान पे है। अब बाकी इधर उधर की बातें लिखी हैं, बाकी जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, इन ध्यान में मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या है। 2019 में महामारी से पहले भारत का मोबिलिटी स्कोर 71 था, जो 2022 में बढ़कर 73 हो गया। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यह स्कोर घटकर 70 हो गया। भारत के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड सहित कई बड़े एशियाई देशों की रैंकिंग में क्या हुई है, गिरावट हुई है। प्रश्न 19 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किया है किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने किया है? नई दिल्ली ने किया है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इस साल 28 से 29 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसका आयोजन किसने किया? दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। यह जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा 28 से 29 मार्च। इसका आयोजन किसने किया है? दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजन हुआ है, ठीक है, दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजन हुआ है। और किसने सहयोग किया है? दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी और IEEE के सहयोग से किया गया है। प्रश्न 20 देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, अच्छा शून्य अपशिष्ट दिवस का मतलब क्या है? जो अपशिष्ट जो उत्सर्जन है, कई सारी चीजें होती हैं अपशिष्ट होती हैं, या जो भी जैसे ई कचरा हुआ, ठीक है, जो भी अपशिष्ट मतलब क्या होता है? बचा हुआ, जो बहुत सारे कूड़े कचड़े, इस तरह से मतलब है, कूड़े कचड़े से मतलब है अपशिष्ट का। तो हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है कि मतलब कूड़े कचड़े या जो भी अपशिष्ट है उनका उत्सर्जन बहुत कम हो, ठीक है, तो शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है हाल ही में जागरूकता के लिए? 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च या 28 मार्च? तो यह कब मनाया गया है? 30 मार्च को, ठीक है। देख लीजिए, हर साल 30 मार्च को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाते हैं। यह दिन अधिक टिकाऊ एवं अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण को बढ़ावा देता है। 2023 में शून्य अपशिष्ट की अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? यह 2023 में शून्य अपशिष्ट की अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम, देखिए यह थीम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग देखिए, अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, करके इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यह विषय पर्यावरण पर कचरे के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है, ठीक है, इसकी थीम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक आप टेलीग्राम का है, आप बिल्कुल ज्वाइन करेगा, ठीक है। और नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन टाइप करिएगा, हमारा फोटो लगा होगा, विशेष पाठशाला लिखा होगा, वही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, करंट अफेयर UP MP असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। ये करंट अफेयर की दूसरी टेस्ट सीरीज है, और ये जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रहा है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, लेकिन मैं दे रहा हूँ UPSC और MP असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं और हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारे कोर्स आपको मिल सकते हैं। और UP और MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।